दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेक्टोलिज्म क्या होता है। वेक्टोलिज्म का मतलब होता है मुंह बंद करके बोलने वाली कला, जो मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस कला में अपने होंठ को बंद करके बोलते हैं लोग, तो इसमें पता चलता है भाई कि आवाज आता कहाँ से है। तो दोस्तों यही आज कला मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस कला में मात्र 3 स्टेप को पूरा करना है, और ये 3 स्टेप काफी खास है। दोस्तों पहला एक स्टेप है कि आपको मुंह बंद करके बोलना है, और दूसरा स्टेप ये है कि आपको सांस लेकर के बोलना है, और तीसरा स्टेप है कि आपको होंठ नहीं लाना है। ओ, ये तो मैंने बता दिया, आपको क्या करना है तीसरा स्टेप कि आपको जब भी बोलते हैं तो अपने फिंगर को ऐसे हिलाना है जैसे लगे कि यही पोपेट बोल रहा है। तो दोस्तों ये करने के लिए आपको सबसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोस्त चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो आपको ऐसे वर्ड को यूज करना है जो काफ़ी आसान हो, जैसे पहले छोटे छोटे वर्ड से शुरू करते हैं वेक्टोलोजियम बोलना और मुंह बंद करके बोलने वाली कला को। तो देखिए पहले मुझे बोलना है ए। तो दोस्तों जब ही बोलेंगे अपने दांत को बंद कर लेंगे और उसके बाद आवाज निकालेंगे। तो बोलना ए। पहले ये बोले तो आप बोलो, नहीं तो आप बोलो तो पहले इसे बोलवाओ। तो दोस्तों इस तरह से फिंगर करना है बी ए बी सी सी डी डी। तो दोस्तों इस कला को आपको बहुत ही बारीकी से करना है, और बारीकी से कीजिएगा तो बहुत ही आसान कला है। दोस्तों आज के टाइम किसी को हंसाना बहुत ही मुश्किल है, और इस कला के माध्यम से आप किसी को भी हंसा सकते हैं। किसी किड्स के माध्यम से, किसी कार्टून के माध्यम से आप वॉइस ओवर करके किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कॉमेडियन राज सोनी करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बनाने का मेरा यही रीज़न था, क्योंकि यह वीडियो में आपको हिंदी में बताऊंगा, और मैं ऐसे ऐसे शब्दों को बताऊंगा जिससे आपका होंठ नहीं हिलेगा और बहुत ही बारीकी से आपका आवाज निकलेगा। हाँ 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 दोस्तों 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 पहले छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल करना है, और उसके बाद बड़े बड़े शब्दों को प्रयोग करना है। तो छोटे शब्दों को पहले सीखिए, और बड़े शब्दों को धीरे धीरे आप जनरेट कर सकते हैं। तो पहले इस शब्दों को बोलने के लिए आप आईना में का प्रयोग कर सकते हैं, या मास्क लगा लीजिए मुंह में और उसके बाद बोलिए, जिससे पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो वेक्टोलिज़ियम पर था। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा शब्द यूज करने पर कौन सा शब्द का मात्रा कितना देना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।